स्केच में कि यहां से आते आते अंदर मुड़ रहा है, फिर यहां से सीधा जा रहा है, उसका जो डोर है वो ऐसे कर्वी शेप में है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ ये कर्वी शेप कैसे बनानी है माया में। इसके लिए आप लेना एक बॉक्स, बॉक्स लेने के बाद आप वो कर्वी शेप कर्व के अंदर आके ईपी कर्व से ड्रॉ करना। तो हार्ड ड्रॉ हो रहा है क्यों? क्योंकि उसमें ये वन लीनियर हो रखा है, थ्री क्यूबिक करना। सीधा कर दो आर प्रेस करके। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिए। अगर आपको थोड़ा चौड़ा भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके फेस को पकड़ना राइट क्लिक करके और शिफ्ट के साथ कर्व को पकड़ना और एक्सट्रूड पे क्लिक कर देना। एक्सट्रूड पे क्लिक करोगे तो क्या हो रहा है देखो, ये यहां से डायरेक्ट एक्सट्रूड हो गया। यहां पे आ रहा है डिवीजन, डिवीजन बढ़ाओगे तो उसके अकॉर्डिंग वो खुद डिफॉर्मेशन ले लेगा। समझ आया? देखो, हमने लिया एक कर्व ड्रॉ कर लिया और एक बॉक्स ले लिया। बॉक्स के ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया। ये अच्छा, इस पर डबल क्लिक करो तो उसका टूल पैनल खुल जाएगा, थ्री क्यूबिक कर देगा। इसके फेस मोड में जाना, शिफ्ट के साथ कर्व पे जाना, क्लिक ऑन एक्सट्रूड, देन इंक्रीज डिविजन्स। नहीं, जितने मर्जी बढ़ाओ, पर जितने ज्यादा बढ़ाते जाओगे हैवी होता जाएगा माया, एक लिमिट में बढ़ाना। मतलब इससे ज्यादा गैप मत रखना। लिमिट कैसे पता चलेगी? डिस्प्ले में जाना, हेड अप डिस्प्ले, पॉली काउंट। यहां पे आपको पॉली पता चल रहा है, 94 फेसेस है। देखो क्या होता है, पूरा जो हमें ये स्केच बनाना है नियर अबाउट 1 लाख फेसेस के अंदर मान लो बनाना है, तो आपको हर चीज की लिमिट रखनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है, अगर हमने इसी में पॉली ज्यादा ले ली है तो फिर बाकियों में कम करने पड़ेंगे, तो सब में बैलेंस लेना। और हमें क्या करना है, अब इसमें एक गैप लेना है। गैप मीन्स मान लो इतना गैप ले लिया, इतना गैप या इतना ले लिया, इतने गैप के बाद ना यहाँ एक्सट्रूड हो रखा है, मतलब बीच में गैप है ईंटों के बीच में, ब्रिक्स के बीच में। तो हमें क्या करना है, सबका गैप इक्वली लेना है। मान लो एक गैप ले रहे हैं, और यहां क्या हुआ है, यहां तो गैप बहुत ज्यादा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस गैप को ना मेंटेन करना है इक्वली।
यहाँ पे तो एक एज इंसर्ट करा दो ताकि गैप आ जाए। गैप नियर अबाउट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली नियर अबाउट सेम ही गैप है ना सब में। अब क्या करो, मुझे यहां पे एक्सट्रूड करना है थिकनेस के साथ, तो थिकनेस के लिए मैंने आपको कहा था दो एज होने चाहिए, तो यहां पे तो एक ही एज है, तो एक एज को दो एज में कन्वर्ट करने के लिए आता है बेवल। बेवल कर दो, बहुत ज्यादा गैप आ गया और बीच में एक सेगमेंट आ गया, हमें नहीं चाहिए। इसको कर दो बंद ताकि बीच में सेगमेंट ना आए। देखो एक एच का क्या हो रहा है, दो एच में कन्वर्ट हो रहा है, और गैप थोड़ा कम कर दो, आ गया ना। अभी जो आए हैं इन्हें सेलेक्ट करना है, सबको सेलेक्ट करके बाकियों को कंट्रोल के साथ डीसेलेक्ट कर दो। कोई एक्स्ट्रा बोली सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। करने के बाद हिट ऑन एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कर दिया और ग्लू वाले से अंदर करवा दो, तो देखोगे गैप आ गया। समझ आया फिर बताऊं। तो ये वाला हमारा गेट बन गया, हमने ज्यादा गैप दिया इन्होंने कम दिया। तो अगर आपको इतना ही गैप लेना हो तो इतना ही गैप लेना, सेगमेंट ज्यादा डाल देना। अब हम घर बनाते हैं, घर बनाना शुरू करके ये घर आप यहां से ना वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर सकते हो, इससे क्या होगा आपको वायर फ्रेम दिख जाएगा। यहां से ना ये एरिया बाहर आ रखता है, तो हमें क्या करना है, इसकी एक फ्लोर और एक्सट्रूड करनी है। दूसरी फ्लोर आ गई जो हमें दिख नहीं रही, अभी ऊपर की फ्लोर दिख नहीं रही ना, और ये थोड़ी सी इस तरफ ना बाहर है, ये भी एक्सट्रूड कर देते हैं। ये आगे का घर हो गया। अब ये वाला पॉलीगन पकड़ा और बाहर कर दिया, तो ये जो छज्जा टाइप आ रहा है ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये फट्टे लगाने लकड़ी के। तो पहले के जो लकड़ी के फट्टे आते थे ना वो टेढ़े मेढ़े होते थे, तो अब हमें उन्हें टेढ़ा मेढ़ा करना है। तो एक बॉक्स लेना, उस बॉक्स से ना सेगमेंट बढ़ा देना, सेगमेंट बढ़ाने के बाद वर्टेक्स मोड से, इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल माइनर सा, क्योंकि कभी भी जो फट्टे थे ना वो सीधे नहीं होते लकड़ी के, रैंडमली हो जाते, बिल्कुल कम कम कर रहे हैं।
बीच बीच के वर्टेक्स उठा रहा हूं। इस एक को बनाने के बाद ना इसी की कॉपियां ले लेंगे हम, किसी को अंदर किसी को बाहर रैंडमली। देखो ऐसे होते हैं ना, कभी भी सीधा मत लगाना, अगर कोई भी चीज रियलिस्टिक करनी है ना तो उस पर थोड़ी डिटेलिंग करना। अब ऐसे बीच में से भी थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। एक नई चीज बता रहा हूं आज आपको, मैं चाहता हूं इसको उठाऊं तो साथ के वर्टेक्स भी थोड़े थोड़े उठे। तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन। देखो मूव टूल के अंदर, ये मूव टूल है, इसके अंदर आता है सॉफ्ट सिलेक्शन। देखो अभी ये सिंगल उठ रहा है, मैंने क्या किया ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए, सिंगल उठ रहा है। अगर इसे ऑन कर दूंगा तो देखो क्या होगा, ऑफ कर दूंगा तो वापस वही होगा, ऑन कर दूंगा तो साथ वाले पड़ोसी भी थोड़ा थोड़ा साथ जा रहे हैं, पर बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो आप इसे कम करवा सकते हो, 5 है ना, 0.2 कर दो। इसे बोलते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन। इसकी शॉर्टकट है बी, बी से देखो ऑन ऑफ हो रहा है, बी फॉर बॉम्बे। देखो बी प्रेस कर रहा हूं मैं, बी से सॉफ्ट सिलेक्ट ऑन ऑफ हो रहा है। बिल्कुल माइनर सा करना, ज्यादा नहीं। कंट्रोल डी कॉपी। कोई छोटा कोई बड़ा कर लेना। अब इसी की एक कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी और रोटेट कर दो। आठ से क्या होता है, स्केल होता है। वर्टेक्स मोड में जाके इसको नीचे कर दो, थोड़ा सीधा करना है तो हल्का सा आर प्रेस कर देना। समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं। वायरफ्रेम शेडेड ऑफ करके देखो, थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, थोड़े टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, पुराने जमाने में ऐसे ही होते थे। हमें यहाँ पे जगह बनानी है। देखो अगर माया में आपको जो चीज काम कर रहे हो वो शो हो, बाकी सब हाइड हो जाए, अगर ये करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट आए, शिफ्ट आई नोट कर लो फॉर आइसोलेट सिलेक्शन,
शिफ्ट आई, और शिफ्ट आई का उल्टा वापस लाना हो कंट्रोल वन, शिफ्ट आई या कंट्रोल वन। शिफ्ट आई से क्या होगा, आइसोलेट होगा, और आइसोलेट को हटाना है कंट्रोल वन। मुझे क्या करना है, ये वाला एरिया अंदर की तरफ एक्सट्रूड कराना है, मतलब ये खाली करना है। तो सेगमेंट डालो यहां पे, इस वाले पॉलीगन को अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दो। दो बार समझ आया, पर एक्चुअल में क्या है, यहां तो गेट बंद है, ये फट्टे वाला जो डोर है वो वाला लगा हुआ है। तो यही लकड़ी के जो हमने बनाए हैं इन्हीं को कॉपी कर दो डोर में लगाने के लिए। कंट्रोल डी, यहां भी एक ही ले लेते हैं, उसको पहले रोटेट करते हैं फिर दोबारा कॉपी ले लेंगे। समझ आ रहा है यहां तक क्या कर रहा हूं मैं? क्लास तो अंत तक रहने दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा। दो बजे कह रहा हूं, अब क्या करो, बस स्टोर को उसके अकॉर्डिंग कॉपी करना। कंट्रोल डी, अगर आप अलग कलर देना चाहो तो अलग कलर दे सकते हो। कैसे, राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है माय फेवरेट मटेरियल, देन गो टू ब्लिन या लैम्बर्ट, कुछ भी दे दो, और यहां से कलर को मान लो ब्राउन कर देते हो। देखो कोशिश करना लैम्बर्ट लेने की हमेशा, लैम्बर्ट क्या होता है, उसमें चमक नहीं होती, रिफ्लेक्शन नहीं होती। वर्टेक्स मोड में इसके अकॉर्डिंग डिफॉर्म कर दो। टच करा रहा हूं मैं इसकी शेप से, चेक करना हो ना तो शिफ्ट आई करके चेक कर सकते हैं। बन गया हमारा गेट भी, कंट्रोल वन कर दो। अब देखो कि यहां पे ना एक गोल पिलर है और उसके ऊपर ईंटें लगी हुई है, गोल पिलर आप कैसे बना सकते हो,
कर्व के थ्रू रिवॉल्व करके कर्व लो, हमने एक कर्व बना लिया। अब इस कर्व के ऊपर मैंने आपको नब्स मॉडलिंग में सिखाया था, कर्व्स में आता है, मॉडलिंग में आता है रिवॉल्व। रिवॉल्व से क्या होता है, वो सर्कल हो जाता है, 360 रिवॉल्व हो जाता है। हमें एक्सेस देखने पड़ेंगे रिवॉल्व के, वाई लेना पड़ेगा। और ब्लैक आया, जब भी कोई चीज ब्लैक हो ना, आप यहां से टू साइड लाइटिंग ऑन कर लेना, एक यहां लगा दो एक यहां लगा दो, जैसे कि इस पिक्चर में है। डोर बनाया था उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, सिलेंडर से बना सकते हो, दोनों से कर सकते हो। अब इसी की कॉपी ले लो ब्रिक्स बनाने के लिए। इसमें भी तो हो रहा है, इसमें भी हो जाएगा। मैं एक्यूरेट वैल्यू के लिए F12 करना पड़ता था ना, यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल डी, तीन ब्रिक्स है आपके। उसमें से एक ब्रिक्स अंदर की तरफ तिरछी जा रही है, समझ आ रहे हैं? ऑफ करके देखते हैं वायरफ्रेम। अब यहां पे विंडो बनानी है हमें, विंडो थोड़ी सी ऊपर वाली फ्लोर पे, इंसर्ट एज लूप टूल से आप विंडो की जगह बनाओ।
और देखो आप इसको अगर रूम बनाना चाहते हो ना तो चारों साइड के पॉलीगन्स एक्सट्रूड मार देना तो ये रूम बन गया, मतलब अंदर का कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, हमें बंद करना पड़ेगा विंडो को। इसी से बंद कर सकते हो, इसी वाले फट्टे से। और ब्रिक्स लगानी हमें छोटी करके, देखो सेगमेंट बहुत सारे हैं, यूजलेस हैं। अगर आपको सेगमेंट हटाने हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एज मोड में जो भी सेगमेंट आपको हटाना है एक एक पकड़ लिया, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक से एज लूप टू एज लूप एंड डिलीट आता है अगर आपको एजेस कम करने हो तो। इसकी कॉपियां लगा रखी है, एक एज को पकड़ लो तो एक एज में तो बैक स्पेस नहीं, थोड़ा सा ना चेंज कर देना ब्रिक्स में, जैसे सारी ब्रिक्स सेम लग रही है किसी में वर्टेक्स अंदर बाहर भी कर देना। बी सॉफ्ट सिलेक्शन के लिए ब्रिक्स में ना थोड़े चेंजेस ले लेना, ऐसा ना हो कि सारी ब्रिक्स ऐसा लग रहा है सिमेट्रिकल है सेम है। मैं ये सॉफ्ट सिलेक्शन से कर रहा हूँ, सॉफ्ट सिलेक्शन का अगर व्यूपोर्ट में साइज ये कम ज्यादा करना, व्यूपोर्ट में बी प्रेस करे रखना और मिड लेफ्ट क्लिक से आप यहीं पे कम कर सकते हो व्यूपोर्ट में, ड्रैग करना है बस लेफ्ट क्लिक से बी के साथ। समझ आया? अब हमें बीच का जो रोड है वो बनाना है। प्लेन ले लो, नीचे प्लेन लगा सकते हो फ्लोरिंग के लिए, और इसमें ना हमें स्लोप बनाना है, थोड़ा सा रोटेट कर देना कंट्रोल डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी कॉपी के लिए। अब तो थोड़ा मैनुअली करना पड़ेगा ये। कंट्रोल डी मूव करके शिफ्ट डी,
तख्ता भी सिलेक्ट कर सकते हो फिर। इसमें क्या है ये ना एरिया, ये वाला कंट्रोल जी करके थोड़ा सा ना टिल्टेड है, मतलब रोटेट है ये पूरा एरिया। बिल्डिंग देखोगे तो टेढ़ी है ना। अब मैंने क्या किया, एक साइड की बिल्डिंग मैंने बनवाई आपको, अब दूसरी साइड की आपको बनानी है। वो दूसरी साइड की दिख नहीं रही है तो अपनी इमेजिनेशन से बनानी है, समझ आया। तो आज का होमवर्क है आपका ये स्केच, इसको आपको डिजिटल करना है।